नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिम गुरुजी। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज 8 सितंबर 2019 है। आज हिमाचल प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, उसके आंसर की मैंने एक जो पार्ट वन है वो मैंने पहले आपका डिस्कस कर दिया है। दोस्तों, कुछ क्वेश्चन रह गए थे जिस पे कुछ डाउट था, तो मैंने वो आपके लिए आज इस वीडियो में लेके आया हूँ। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। मैं उन्हीं क्वेश्चनों के आंसर इसमें बताऊँगा जो पहले जो छूट चुके थे। तो दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5। ये दोस्तों जो है डी सीरीज है, आप लोग देख सकते हैं। डी सीरीज का जो क्वेश्चन नंबर 5 था, इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी। मैं आपको जल्दी जल्दी आंसर बताने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर जो 6 था, उसका ऑप्शन आपका बी रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 7 का जो आपका सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 7 का भी आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर आपके बी रहेगा। 7 का आपका जो आंसर सही रहेगा वो है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपका आंसर बी रहेगा, 90 डिग्री। अगला है क्वेश्चन नंबर, अब हम आगे जाते हैं 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 14 में आपका सही आंसर रहेगा आपका बी, 1900 रुपये। और क्वेश्चन नंबर 15, इसका जो आपका सही आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर सी, 10:9। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 जो ट्रेन वाला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। और इसमें जो है स्पीड नहीं दी गई है। अगला है क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस करेंगे हम। का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इसका डी सही आंसर रहेगा। ये दोस्तों एक बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया था, इसमें एक ग्रुप में क्वेश्चन है, पांच नंबर अलग अलग रहेंगे। मैं आपको इसके आंसर बता रहा हूँ। जो 21 का रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा, आपका 22 का भी ऑप्शन नंबर डी रहेगा, और 23 का भी ऑप्शन नंबर डी आएगा, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर डी एफ। और दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 24 है, इसका सही आंसर ए रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका क्वेश्चन जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका बी, 4। और जो 26 है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। और जो 31 है, इसका मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक रहेगा, इसका 32 सही आंसर होगा। और जो क्वेश्चन नंबर 32 है, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी ये रहेगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है अब दोस्तों, इसमें जो है आपका इंग्लिश स्टार्ट हो गई है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 33, 34, 35, 36 दिए गए हैं, इसमें दोस्तों अंडरलाइन दिया गया है, इसका सही आंसर चूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, 2 look them up। और जो क्वेश्चन नंबर 34 है, इसका सही आंसर बी रहेगा, insisted that। और जो क्वेश्चन नंबर 35 है, इसका सही आंसर ए रहेगा, each of the furniture। दोस्तों, यदि मैं इसमें से कुछ आंसर गलत बताऊंगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा उसको सही आंसर क्या होगा।
जो 36 है क्वेश्चन नंबर, इसका सही आंसर होगा प्रिमिटिव, ऑप्शन नंबर सी प्रिमिटिव इसका सही आंसर होगा। 37 है इसका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, टू एबंडन। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38, 38 का आपका सही आंसर रहेगा निगलेक्ट। फॉलो का जो ऑपोजिट होगा वो रहेगा निगलेक्ट। और 39 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 40, तो इसका सही आंसर रहेगा 40 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी फीट। अगला देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 41 है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, ये रहेगा आपका ऑप्शन नंबर इसका अफेक्टेड, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। अगला दोस्तों जो आपका 42 है, इसमें दोस्तों 42, 43, 44, 45, 46 और 47 और 48 के जो आंसर है, ये इसमें एक पैसेज दिया है, इसमें बीच बीच में खाली स्थान दिया है, आपको इसमें जो है सही आंसर फिल करने हैं। दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बताता हूँ, आप अपने क्वेश्चन पेपर में टिक करते रहिए। जो पहले करेगा दोस्तों 42, 42 का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑफ, ऑप्शन नंबर ए। और 43 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी फ्रॉम। और 44 का भी रहेगा सी क्लासिकल। और 45 का रहेगा बी मेथड। और आपका जो 46 है, 46 का रहेगा ऑप्शन नंबर ए विद इन। 47 का रहेगा ऑप्शन नंबर सी विल। और 48 का रहेगा ऑप्शन नंबर बी ग्रो। तो दोस्तों ये थी हमारी इंग्लिश और मैथ के कुछ क्वेश्चन रहे थे जो डिस्कस करने को रहे थे, मैंने आपसे डिस्कस कर दिए है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो पहली बार जुड़ रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबाए। दोस्तों यदि आपने पहली जो वीडियो बनाई है वो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।